आज बड़ी दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूं मैं कि दो दिन में हम लोगों ने दो इतिहास के पन्ने को खो दिया। लगता है कि दुनिया की सारी दुख हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे ही पड़ गई है। वो इतिहास है, इतिहास थे और इतिहास शायद रहेंगे। इरफान खान जी, जिनको देख कर ये समझ में आता था कि एक्टिंग होता है क्या, क्योंकि वो कभी एक्टिंग किए ही नहीं। लगता था कि नेचुरल कुछ हो रहा है और उन्हें देखकर मुझे लगता है कि करोड़ों लोग उन्हें देखकर एक्टिंग किए और एक्टिंग सीखे और अपना घर परिवार चला रहे हैं। आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड को सुना करके इरफान खान जी चले गए। और एक इतिहास का पन्ना और, माननीय हमारे पिता तुल, जिनको देखकर शायद हम पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस समय से वो हमारे इंडस्ट्री को गोद में लिए हुए हैं और इंडस्ट्री के लोग नहीं पूरे हिंदुस्तान उनको गोद में खिलाया। माननीय ऋषि कपूर जी, ऋषि कपूर साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, तो दो दिन में हम लोगों ने दो इतिहास के पन्ने को खो दिया। बट उनका किया हुआ, मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी, जब तक आसमान रहेगा, तब तक उनका किया हुआ चीज हम लोगों के बीच में रहेगी। बस एक बात की तकलीफ है कि शायद वो रहते दोनों तो हमारी आने वाली पीढ़ी और कुछ सीख सकती थी उनसे, या उनको देखकर और कुछ प्रेरणा ले सकती थी उनसे। इस बात का दुख है कि आने वाली पीढ़ी को अब कुछ उनके तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की तकलीफ है, बट मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा, अल्लाह से यही प्रार्थना करूंगा कि अल्लाह उनको जन्नत दे और ईश्वर उनको स्वर्ग में जगह दें, जो कि उनकी की हुई चीज आज भी हम देखते हैं, आज भी हम सुनते हैं, आज भी करते हैं। तो उनको देखकर हम लोगों ने कुछ करने का एक जुनून पैदा हुआ और आज हमारे बीच वो नहीं रहे। बस ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे और उनको जन्नत नसीब करें, उनको स्वर्ग दें।